नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं और आज हम एक पॉलीक्रेस्ट रेमडी के बारे में, उसकी बॉडी लैंग्वेज और कैसा उसका जेस्चर होता है उसके बारे में मैं डिस्कस करता हूं। तो आज की रेमडी हमारी है कलकेरिया कार मेडिसिन, कैसे उसका अपीयरेंस दिखता है, क्या क्या उसका जेस्चर होता है और बिहेवियर कैसा वो करता है, इसके बारे में मैं आपको छोटा सा जानकारी देना चाहता हूँ। तो ये आपका सिर्फ इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, प्लीज़ कोई भी मेडिसिन अपने आप नहीं लेनी है, अपने नियरेस्ट होम्योपैथी फिजिशियन को, पेशेंट को दिखा करके ही मेडिसिन प्रिस्क्राइब करवाना है। सबसे पहले कलकेरिया कार्प को हम तब लोगों ने देखा होगा कि 3F को बुली के बारे में बोलते हैं, फेयर, फाइट और फ्लेवी। ये हम लोगों को किताबों में पढ़ने को मिला है कि 4 जो है 3F होते हैं कलकेरिया कार में, लेकिन एक F हम आपको और बताते हैं। तो 4F के बारे में कलकेरिया कार में बताया गया है, पहला F के बारे में फेयर, दूसरे फाइट, तीसरी फ्लैबी, फोर्थ है फ्रीजिंग, फ्रीज हो जाता है, आलस बहुत होता है उसको। पिल अपीयरेंस उसको देखने में मिलेगा, चाकी कॉम्प्लेक्सेस होगा, कैन नॉट बियर टाइट क्लॉथ, कभी भी अपने टाइट कपड़े वो अराउंड द मिडिल पेट पे कभी भी उसको प्रॉब्लम होने लगती है, नहीं पहनता है। लुक फिजिकल स्ट्रांग होगा, लैक मोटिवेशन होगा, राउंड अपीयरेंस होगा उसका, स्ट्रांग बोनी फ्रेमवर्क उसका स्ट्रांग होगा। सॉल्ट लिम्ब होंगे, फोरहेड वाइल्ड होगा, अपर लिप प्रोस्टिट्यूट होंगे, लिप फिंगर एंड स्क्वायर होंगे, फेयर, फाइट, फ्लैबी, फ्रीजी एंड पल्पी उसका ये जेस्चर देखने को मिलता है। एनजीएस बहुत होगा, वरीक होगा, डेवलप व्रिंकल होंगे, व्रिंकल्स उसकी बॉडी में मिलेंगे आपको देखने के लिए। सीटी जे चेयर एंड स्लाइड डाउन बिकॉज ही इज सो फ्लैबी, बहुत मोटा होता है, फैट होता है, तो सिट इन ए चेयर एंड स्लाइड डाउन करेगा। गुड प्लानर होगा, ऑर्गेनाइजर होगा, फियरफुल होगा, लेट इन अटेंडिंग सोशल गैदरिंग, हमेशा सोशल गैदरिंग में पार्टी में लेट से जाएगा वो कलकेरिया कार। उसका बिहेवियर में एंजाइटी बहुत ज़्यादा उसको देखने को मिलती है, एंजियस रहता है, वरी बहुत चिंता करता है, फियरफुल रहता है, डरा डरा सा रहता है, नाइट ट्रेनर रात से बहुत डर लगता है उसको, हमेशा लेट उसकी हालत उठने में रहता है, और गुड ऑर्गेनाइजर होता है, बहुत अच्छी तरीके से गुड ऑर्गेनाइजर होता है। तो यह पर्सनैलिटी जो है वो कलकेरिया कार की है, कलकेरिया कार में ये पर्सनालिटी आपको मित्रों मिलती है। तो फिर मैं आपसे आपको बता देता हूँ कि अभी तक जो तीन हम लोगों ने 3F फेयर, फ्लैबी, फैटी जो पढ़ा था, उसमें एक चौथा F और फ्रीजिंग होता है। तो फेयर, फ्लैबी, फैटी और फ्रीजी, ये 4 करेक्टर्स कलकेरिया कार में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए यही बॉडी लैंग्वेज कलकेरिया कार की, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा और बात की कभी वीडियो में कलकेरिया कार पूरी मेडिसिन के बारे में चर्चा करूँगा, इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या पूरी पॉलीक्रेस्ट में क्या क्या देखने को मिलता है। वीडियो अगर आपको कलकेरिया कार के बारे में अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दें, इसको सोशल मीडिया पर शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे होम्योपैथी से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो बनाते हैं तो इसकी जानकारी आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों।